हाँ दोस्तों, मैं बोल रहा था कुछ ना कुछ तो बोलने से बेहतर है बताए तुम आपको, क्योंकि मैंने कहा था ना मेरे एल्बम इश्क जादू टोना, इश्क जादू टोना जिसको आप अच्छे सब जानते हैं, जिसके बारे में अक्सर मैं चर्चा करता रहता हूँ, जिसका पोस्टर भी मैंने दे रखा आपके बारे में, आपको बताइए मेरे बारे में, अगर मेरी जबान लड़खड़ा है तो समझ लेना कुछ तो खास बात है। तो खास बात हम उजागर कर ही देते हैं, मुंबई से हमारी एल्बम की हीरोइन टिकटॉक स्टार नीलम जी उत्तराखंड आ गई हैं, हमारे बराबर में बैठी हैं, इसलिए थोड़ा सा हम बातें ज़्यादा करने के चक्कर लड़खड़ा के लीजिए, बाकी बातें इनसे कीजिए, इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनके परिवार के परिचय तो बाद में देंगे, फिलहाल इनका कि इनको कैसा लग रहा है, पहली बार आई है हरिद्वार उत्तराखंड में ये, और बहुत पसंद कर रहे हैं, हज़ारों लाइक और व्यू सब मिल रहे हैं इनको टिकटॉक पर और जितनी भी जगह पर हमने इनकी एल्बम को डाला है। बाकी दोस्तों अब आपके सामने पेश कर रहे हैं, जब से मैं स्टार मेकर पे आया हूँ तब से मेरा पहला एल्बम है इश्क जादू टोना, लीजिए बात कीजिए नीलम जी मुंबई से, आप हमारे स्टार मेकर के दर्शकों के लिए कुछ बोलिए, उनके लिए आप बड़ा इंतजार का विषय थी क्योंकि पता है, लीजिए आप कुछ कहना चाहेंगे नीलम जी कि हरिद्वार में आके आपको कैसा लग रहा है, हमारी जानकारी तो ये है कि आपके परिवार में भी संगीत का माहौल है, हम जानना नहीं चाहेंगे, फिलहाल बताइए कि आपको 2 दिन हो गए आपको आए जी, तो कल से तो आपका शूट है ये, हाँ अभी कैसा लग रहा है आपको, मतलब हरिद्वार में उत्तराखंड में? बहुत अच्छा लग रहा है हरिद्वार में उत्तराखंड में आके और आपसे मिलके। अच्छा दोस्तों मैं ये इनके बारे में बता दूं, इनके मराठी आदि मुंबई से है, थोड़ा आप लोग बहुत से लोग मराठी से भी हो, तो महाराष्ट्रीय हूँ, थोड़ा सा बोलिएगा मराठी में, मी मराठीच आहे, मला मराठी खूप छान येतं, इसमें मेरे मित्र के मराठी है, मुंबई से बहुत लोग, आप थोड़ा और बोलिएगा। अच्छा देखो मुझे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा आपको, किसकी कौन कौन मराठी जानते हैं, अपना ग्रुप है वो, आप समझ रहे हैं ना, कुछ ग्रुप में जाएगा मेरा वीडियो जी। वो ये मराठी में मेरा कुछ बुरी बात कहे तो आप बदल दीजिएगा, आप बोलिए। नहीं नहीं वाइट काइज बोलत नहीं है, देव सर्वेश्वरजींनी मला याच्यात खूप मोठा चान्स दिलेला आहे, त्यांच्या अल्बममध्ये मला त्यांनी घेतला आहे, मला खूप आनंद होतोय या गोष्टीचा की यांनी मला या अल्बमसाठी चॉईस केला, मला या अल्बमसाठी त्यांनी टिकटॉकमधून त्यांनी मला या अल्बमसाठी घेतलंय, त्यासाठी मला खूप आनंद होतोय आणि खूप त्यांचा अभिमान होतो, म्हणजे त्यांनी मला यासाठी चॉईस केलं, माझी ॲक्टिंग बघून त्यांनी मला चॉईस केलेला आहे, म्हणजे खूप छान, मला खूप हरिद्वारमध्ये आल्यावरती पण मला खूप छान वाटलेलं आहे, आणि आता उद्यापासून आमची शूटिंग चालू होणार आहे एक जादू टोना या गाण्याची अल्बमची। अभी सर इन्होंने बहुत बोल लिया, मुझे नहीं पता चल रहा है क्या बोला इन्होंने, अब मैं ये हिंदी वालों को और बता दीजिए, हिंदी जो लोग हैं उनके लिए क्या बोला आपने मेरे बारे में? मैंने यही बोला कि मैं हरिद्वार में आके बहुत खुश हूँ, देव सर्वेश्वर जी ने मुझे इस अल्बम में चांस दिया है, मेरा टिकटॉक में एक्टिंग देख के उन्होंने मुझे इसमें लिया है एल्बम में, तो मैं बहुत खुश हूँ और कल से हम लोगों का शूट चालू होने वाला है, बस बोला मैंने मराठी में। अच्छा अच्छा दोस्तों मैं जानना चाहूँ, मैं अगर आप अब आप तो उधर बोलेंगे मैं बोल देता हूँ, आप अपना जिस गाने में मेन लीड कर रही हैं आप थोड़ा सा गुनगुना के बताएंगे, क्योंकि संगीत का चैनल है इसमें लोग संगीत आपके, आप सिंगर तो है नहीं मुझे पता है, तो मगर आप फिर भी गुनगुना देंगे, संगीत के लोग हैं ना इसमें तो अच्छा लगे। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ इनसे कि दोस्तों मैं गाना नहीं गाती हूँ, मुझे गाना नहीं आता है, मगर आप बचेंगे नहीं, अभी जो जो आता है तो अभी है हमारे पास टाइम, आप गाना गा दीजिए वो मैं उसके बाद में गाऊंगा, कौन सा गाना है जिसपे आप एक्ट कर रही हैं? ये तो रेनो मंडल की तरह कर रही है, हिमेश जी ने कौन सा गाना गाया था मेरे साथ? गा दीजिए पहले तो सबका, अभी अभी ये गाना बता कौन सा गाना, वो गाना हुई सूरत, वो सूरत है बोली गाइए, तो मेरी आवाज खराब है इनके जैसे अच्छी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ, गई गई अभी हमें कहना नहीं चाह रहे, मास्टर जी बैठे बराबर उनका परिचय देंगे ना आपके दोस्तों से, आपने इनको देखा तो होगा, वो राज बाद में खोलेंगे, फिलहाल आप गाना गाइए। सूरत है बोली पर नैन जादू टोना, पर नैन जादू टोना प्यारी है, अरे दोस्तों आपके लिए मजेदार बात ये रहेगी कि हीरोइन गाना तो इनका है लेकिन बोले मुझे बोल रहे, देखो देखो दोस्तों आपके लिए मजेदार बात ये रहेगी, जब हीरोइन सामने, हीरो सामने, गायक सामने, तो शूटिंग आपको लाइव में दिखाए आप देखिए दोस्तों, देखिए कुछ आप मजा आएगा आपको,
वैसे दोस्तों मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो इनको भी कीजिएगा। तो गाना फिलहाल पता ही आपको, सूरत है भोली पर नैन जादू टोना, प्यारी है इतनी दिल चाहे उसका होना। जब मैंने उसको आई लव यू बोला, बदले में उसने मुझसे ये बोला है, मुझे नहीं है रोग प्यार वाला लेना है। ये लाइन इनकी है, वहाँ एक्ट करेंगी। खैर फिलहाल गाना तो ये है, ये हम पर्दे पे देखेंगे, आपको बहुत अच्छी सी तैयारी चल रही, मगर हम इनसे छोड़ेंगे नहीं इनको। अभी आप ये बताइए नीलम जी, जो उसमें हम, क्योंकि बेसिकली दोस्तों ये स्टोरी के साथ है, एक गाना ही नहीं है, हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं नीलम के साथ, कि जिसमें हम हर सीरीज में 15 मिनट की स्टोरी होगी, मतलब एक गाना होगा 4 मिनट का, पक्की स्टोरी होगी। तो ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हर लेते रहेंगे। तो इसमें उनके कुछ डायलॉग है, हम चाहेंगे जरा एक डायलॉग बोल दीजिए। कौन सा लग रहा है? जो आपको इजी लग रहा है, जो कि खा खा के मोटे होते जा रहे हैं। आओ हजार रोने का, इनके दो तीन, इनके चार पांच सीन है दोस्तों, रोने का है, थोड़ा कॉमेडी का है, चिढ़ाने का है, और रोमांटिक यहाँ जो जिसमें एक थोड़ा जरा बोली बोली हाँ मैं ऐसे बोली देव, मुझे पता है तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर भी देव मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आई लव यू देव, आई लव यू। तो ये बात आप कह रहे हो, मेरी शादी होने वाली है तो दुखता है देव, यहाँ दुखता है। दोस्तों वो तो जब एल्बम रिलीज होगा तब आप देखेंगे, आपको पहले दे रहे। एक दूसरा और बोलो आप, क्यों जो जिसमें कह रहे खा खा के मोटे हो गए, तो अदरक की तरह क्या है, क्या 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 नाचो नाचो नाचो, वो नाचो क्या है, वो डायलॉग आपका कि क्या तुम क्या नाचोगे मेरे सामने, अदरक जैसा मोटा पेट कर। दोस्तों इसकी कल रिहर्सल चल रही थी, तो हमारे दोस्त की एल्बम की डायरेक्टर भी लड़की है मुंबई की, मानवी, ये इनके लिए फायदे की। बहुत अच्छी है मानवी जी, मुझे तो बहुत पसंद आई वो। हाँ वो भी उनको भी दिखाएंगे, कल शूट पे लेंगे लाइव हम अपने। और बताइए वो क्या, जल्दी बताओ तो, एक मिनट। हाँ क्या है वो? अरे वो ये है कि तुम क्या नाचोगे मेरे सामने, इधर इधर, अच्छा हाँ उधर ही बोलो, उधर ही बोलो। दोस्तों आप करें ना सारी मुझे है फिल्म में। हाँ तुम क्या नाचोगे, खा खा के फूलते जा रहे हो अदरक के जैसे। पर्दे पे आप चौंक जाओगे, पर्दे पे बहुत अच्छा करने वाली है। अच्छा अब वो हम दोनों का होता है जिसमें आप ये कहती है ना कि मेरी आपकी शादी नहीं हो सकती, जब वो बोल दो कि मैं इसे बोलता हूँ, मतलब तुमने अपनी मम्मी से पूछ के प्यार किया था कि मुझसे, वो बोल दो। देखो अभी हमारे पास टाइम कम रह गया, दोस्तों पकड़ी गई आज ये छुट्टी आ रखी है तो हमने पकड़ ली। बोले मेरी मम्मी कह रही है कि तुमसे बात ना करूं और ना ही तुमसे मिलूं। क्यों मम्मी से पूछ के, क्यों प्यार मम्मी से पूछ के किया था क्या? नहीं तो रोने का कर दो। दोस्तों फिलहाल आज हमने इनको पकड़ लिया है, ये इनके कई अच्छे सीन है ऐसे करके, और बाकी ये अच्छी एक्ट्रेस है वो तो आप देख ही लेंगे। कुछ और कहना चाहेंगे मुंबई वासियों को? मुंबई उसमें महाराष्ट्र है ग्रुप मेरे, उसमें बताऊंगा आपको। दोस्तों जो मेरे इसमें महाराष्ट्र भाई लोग हैं, जो भाई बहन लोग हैं जो भी जुड़े हुए हैं, इनके लिए प्लीज ऑल द बेस्ट कहिए। आपकी मुंबईया से हैं ये, आप पहली बार उत्तराखंड में आई हैं, इनके डेब्यू एल्बम है, और बाकी और लोग सारे लोग इनको दुआ दीजिए भाई। मेरे तो माझ्या सगळ्या अल्बमच्या माझ्या अल्बमचे जे गाणे आहेत जे आता येणार आहेत त्याला सगळ्यांनी मनापासून लाईक करा, शेअर करा आणि तुमचे आशीर्वाद नक्की द्या। एल्बम का नाम और बता दीजिए। एल्बमचं नाव आहे इश्क जादू टोना, मतलब एल्बम का नाम है इश्क जादू टोना। इश्क जो है वो अच्छे अच्छे पे जादू टोना कर देता है, दीवाना कर देता है, पागल कर देता है, अंधा कर देता है प्यार में, वो सब नाम है इसमें। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम आए हैं, कल से सुबह से स्टार्ट है, तो इनका एक कल शूटिंग शेड्यूल में एक ड्रेस है, तो इनके आधार पर जो इनके हिसाब से पिक बैठेगा कल डायरेक्टर ने कहा तो वो लेना है। ठीक है दोस्तों बाय, कमेंट में बताइएगा इन्होंने कुछ पटांग तो नहीं कहा है, वो नहीं आती मराठी, आप मेरी मदद कीजिएगा दोस्तों प्लीज, बताइएगा कितना बुरा कहा। और बाकी इनकी अगर इन्होंने कल एक्टिंग सही नहीं करी तो फिर मैं बता कल सेट पे भी। हाँ